I think we all are connected now. So I'm sharing you the video again. नंबर हमने लिया पी के अंदर और एक नंबर हमने लिया है सी के अंदर. सो अभी हम लूप घुमा सकते हैं, या तो आप चाहो तो तीन बार लूप घुमाओ या फिर आप चार बार लूप घुमाओ, डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप तीन बार घुमाते हो तो आपको हर बार फोर ऐड करना पड़ेगा तीन बार, और अगर आप थ्री का यूज करते हो तो लूप को चार बार घुमाना पड़ेगा. तो इसका लॉजिक भी हम अब देखिए इसका मतलब क्या है. जैसे हमने बताया था आपको, थ्री इंटू फोर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर हमारे पास है, थ्री है एक लोकेशन एड्रेस 0100 एड्रेस लोकेशन पे, दूसरा नंबर है 04 दैट इज अनदर लोकेशन 0101 पे है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट 12 दैट इज अगेन लेस देन FF, तो वी आर अगेन गेट द 8 बिट नंबर ऑन द रिजल्ट ऑल्सो. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे भी हमें रिजल्ट FF से कम मिल रहा है. So that is good for multiplication. तो अब इसमें देखिए जैसे 0, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शंस और कमांड लाइक MUL मल्टीप्लाई के लिए, ऐसा कोई कमांड तो है नहीं. तो या तो आप ऐड करिए कि आप 3 इंटू 4 कर रहे हैं, तो एक मेथड तो ये होता है कि 3 को चार बार ऐड कर दीजिए, मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे तो आपको 12 रिजल्ट मिल जाएगा. तो है मल्टीप्लीकेशन, बट इफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब यही है ना कि किसी नंबर को किसी से कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम पहले वाले नंबर को ऐड कर दो, ठीक है ना. तो ये भी एक मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन का कि हम ऐड करते, जैसे सेकेंड जैसे 4 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 को 3 टाइम्स ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट आपको वही मिल जाएगा जो आप मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल रहा है. तो एग्जैक्टली हम ये मेथड फॉलो कर सकते हैं. क्लियर, तो दैट वही चीज में क्लियर हो रही वीडियो में, देखिए आप. हम एकदम सिंपल तरह से समझ लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रजिस्टर है ए उसको देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है 00H, बिकॉज हम ए के अंदर ही चीजें ऐड करने वाले हैं, जो आंसर है वो ए के अंदर ही आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे ए को पहले क्लियर कर दिया है. तो देखिए यहाँ पे देखिए लूप कितनी बार घूमता है, लूप हम बी टाइम्स या सी टाइम्स घुमा सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करो. तो यहाँ पे देखिए हम लोग लूप घुमाएंगे सी टाइम्स, सी की जो वैल्यू है वो है 4, तो हम लूप को चार बार घुमाएंगे और हर बार ऐड करेंगे बी को, और बी में हमारा नंबर है 3. तो यही लॉजिक हमको लगाना है बस. तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ऐड बी, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो ए प्लस बी करेगा, ए के साथ ही एडिशन होता है और जो आंसर जाएगा वो ए के अंदर ही चला जाएगा. और यहाँ पे देखिए ए के अंदर नंबर है हमारा 00 और बी के अंदर है 3, तो ए के अंदर आंसर चला जाएगा 03. ठीक है, तो सी के अंदर देखते हैं, सी के अंदर हमारा नंबर था 4, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा इनिशियल एड्रेस है. दिस इज द ये हमारा जो 00H है ये इनिशियल एड्रेस डेटा है, मतलब हमने लिया हुआ है, ठीक है ना. तो जैसे पहले हमने 00 में जब 3 को ऐड किया तो वी गेट द रिजल्ट 03 इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक. तो अब हमारा इनिशियलाइज 03 से होगा, ठीक है ना. इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों ने 00 लिया हुआ है, तो 00 में पहले हमने 03 ऐड किया क्योंकि ये 03 नंबर है ना बी लोकेशन पे. तो ए पे बी ऐड करेंगे, ए पे हमारा 00 था, बी पे हमारा क्या है 03 है, तो ए प्लस बी करेंगे 00 प्लस 03 और रिजल्ट आपको पता है एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, तो रिजल्ट इज गेटिंग 3. तो 3 आपका अभी स्टोर हो गया, तो दिस इज द प्राइमरी लोकेशन नाउ. क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या करना है. ओके सो इट इज प्रोसेसिंग नाउ, नेटवर्क इशू इज देयर, जस्ट वेट इट इज ओपनिंग नाउ. या तो ये नंबर उसको एक कम करना है, तो अभी हमारा सी जो बुझाएगा वो जाएगा 03 पे.
मिनट, जस्ट वेट। क्लास आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो। यस सर। कम की है पर जीरो तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जंप इफ नॉट जीरो टॉप, यानी कि ये जो डिक्रीमेंट लिखा है अगर ये जीरो नहीं है तो फिर से वापस ऊपर जाएंगे, वो अभी थ्री है तो फिर से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको बी ऐड करना है। अब देखिए यहीं पे ये मेन कॉन्सेप्ट है, जो डिक्रीमेंट, अगर आपका जो डिक्रीमेंट करने पे जब तक ये जीरो नहीं पहुंचेगा तब तक हम मूव करते रहेंगे ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हमें 0-3 मिल गया है ना, तो वी जस्ट मूव अगेन ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें ये 0-3 अभी हमारे पास इनिशियल रिजल्ट आ गया, दिस इज नॉट जीरो, इसको हम फिर ले जाएंगे ऊपर। और इसको हमें चूंकि 4 times एड करना है ना, तभी तो हम 12 पाएंगे रिजल्ट। 0-3 को जब 0-4 में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें 4 times ऐड करना पड़ेगा 0-3 को। तो वही हम काम करेंगे, तो फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए जब तक हमें ए के अंदर हमारा आंसर था लास्ट टाइम 3, उसमें फिर से हम लोग बी ऐड करेंगे, बी हमारा अभी भी 0-3 ही है, ये बी के अंदर था, ये सी के अंदर था। सो आपका जो आंसर हो जाएगा 0-3 + 0-3, फिर से 3 ऐड किए, अभी हमारा आंसर आ गया 0-6, ये आंसर फिर से ए के अंदर चला जाएगा। फिर से हम सी को एक कम करेंगे तो अभी हमारा सी हो गया 0-2, फिर से लूप घूमेगा, फिर से बी ऐड करेंगे। याद रखिए तो यहाँ पे जो आंसर है वो हर बार पड़ता रहेगा, स्टार्टिंग में ये ए के अंदर था 0, फिर हमने बी ऐड किया 3, फिर से एक बी ऐड किया 6, फिर से बी ऐड किया 9, फिर से बी ऐड किया 12। तो देखिए ये लास्ट में हमारा 12 आ जाएगा। और ये लूप कितनी बार घुमा, 1, 2, 3, 4, तो जब 4 बार घूमेंगे तो ये सी जो है वो 0 हो जाएगा, और उस टाइम पे आपका ये जो लूप है वो वापस ऊपर नहीं जाएगा बट नीचे जाएगा, ठीक है। सो नीचे जाने के बाद देखिए आपका जो आंसर है वो ए के अंदर आ गया है 12H, यानी कि 3 × 4। इस 12H को हमको स्टोर करना है नेक्स्ट लोकेशन पे, यानी कि 0102। तो फ्रेंड्स आंसर को नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करने के लिए हमने यूज किया है INXH, यानी कि आपका HL का जो लोकेशन है वो अभी बढ़ के हो जाएगा 0102H, और यहाँ पे स्टोर करने के लिए हम लोग M रजिस्टर यूज करेंगे और आंसर हमारा है A के अंदर, इसलिए हम लोगों ने A इंस्ट्रक्शन यूज किया है। A का जो आंसर है यानी कि 12 मल्टीप्लीकेशन का, वो यहाँ पे इस लोकेशन पे स्टोर कर दो और प्रोग्राम को हम हॉल्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं इस प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का होगा कैसे प्रैक्टिकली। 100 लोकेशन पे नंबर हमने रखा हुआ है 3 ऑलरेडी, और 101 पे हमने रखा है 4। तो ये नंबर्स हमको पहले ले जाने हैं रजिस्टर बी और रजिस्टर सी के अंदर। तो HL पेयर में सबसे लोड करेंगे सबसे पहले तो 100, सो लेट सी व्हाट हैपेंस। HL के अंदर 100 यहाँ पे आ जाना चाहिए, सो एज यू कैन सी योर HL इज 100। बी के अंदर वो डेटा आ जाना चाहिए 100 पे से, यानी कि 3, तो ये डेटा बी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एच का लोकेशन बढ़ेगा, सो HL होगा आपका 101, एज यू कैन सी इट्स 101। वहां से डेटा जो है 4 पूछाएगा सी के अंदर, ऑल्सो क्लियर, सी के अंदर आपका आ गया है नंबर 4। ए को क्लियर करेंगे, नो एड बी, याद रखिए ये बी जो है वो हर बार ए के अंदर एड होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ए रजिस्टर की वो अभी हर बार बी के जितनी बढ़ेगी, बी हमारा है 3, सो ए की जो वैल्यू है वो हर बार 3, 6, 9 उस तरह से बढ़ेगी, बिकॉज ये लूप जो है वो सी टाइम्स घूमेगा, सी की वैल्यू है 4। तो ये हर बार 4, 3, 2, 1 सी कम होगा और आपका जो ए है वो 3, 3 times बढ़ता जाएगा। जब 4 बार घूमेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12, और ये प्रोग्राम यहाँ से आगे बढ़ेगा और एच की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 3, 3 बढ़ेगी और ये सी जो है वो कम होता जाएगा यहाँ पे। सो लेट्स रन दिस, एज यू कैन सी ए हो गया 3, नाउ 6, 9, सी की वैल्यू कम हो रही है, नाउ 12, अभी सी हमारा हो गया है 0। तो ये जो प्रोग्राम है वो अभी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, बिकॉज वो सी 0 हो चुका का है। तो HL पे जो है आपका एक बढ़ेगा, HL में आपका आ गया है नेक्स्ट लोकेशन विच इज
10 जो हमको चाहिए, नेक्स्ट लोकेशन 102, तो देखिए वो हो जाएगा 102 हो गया यहाँ पे। और ये जो आंसर है हमारा यानी कि ए के अंदर सी यानी कि 12 वो चला जाएगा यहाँ पे। क्लास समझ में आ गया इस सभी को? यस सर। हेलो। नहीं। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग है जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है इसमें, क्लियर? ये प्रोग्रामिंग इसमें एक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था, आप देख रहे थे। सो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को क्लास, इज देयर एनी डाउट? हेलो, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? हेलो, ये वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन एक्सेस दिस वीडियो। ओके, हेलो, सभी की आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. What I am saying, ये मैं कह रहा था कि इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, सो विजिट दिस वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। ओके, so you all are also requested, those who have not appear for the Viva, so they may separately contact to me, clear?